हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की फॉर सक्सेस। आज हम लोग देखेंगे 3 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें जिससे आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 4 जनवरी को मनाते हैं। और ये 4 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका रीजन ये है कि जो ब्रेल लिपि होती है वो जनरली ब्लाइंड पर्सन्स या जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक लिपि होती है पढ़ने लिखने के लिए। और इस लिपि की खोजकर्ता का नाम है लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि की खोज की है और इसीलिए इनके जन्मदिन को 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगर हम बात करें, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए 14 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान जो दिया गया है, स्वर्ण जयंती फेलोशिप, ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो अदर ऑप्शंस हैं जैसे रमेश पोखरियाल जी, ये भी एक मंत्री हैं। तो ये किस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल जी, ने हम निशंक कहते हैं, ये HRD मिनिस्टर यानी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। और साथ साथ अगर हम प्रकाश जावड़ेकर जी की अगर बात करें तो ये एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। तो याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा जी की अगर बात करें तो ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं यानी जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। तो ये मंत्रालयों के मंत्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे। अगला जो स्लाइड है, अनुष्ठानिक उत्सव लाई हरोबा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है लाई हरोबा, याद रखिएगा ये त्रिपुरा के राजधानी अगरतला में शुरू हुआ है। तो लाई हरोबा त्रिपुरा अगरतला में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वोमेन पहल शुरू की है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर सेफ वोमेन जो पहल शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 3 जनवरी 2020 को। और 3 जनवरी की अगर बात करें तो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में जो समाज सेवी सुधारक थीं जिनका नाम है सावित्री फुले, उनका जन्मदिन है 3 जनवरी और वो भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका और भारत में पहली बार बालिका विद्यालय का शुरुआत उन्होंने पुणे में किया था। और वो इनका जन्मदिन मनाया गया है 3 जनवरी को और उन्हीं के जन्मदिन पे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित साइबर सेफ वुमेन शुरू किया गया है जिसमें महिलाओं को जागरूक किया जाएगा साइबर क्राइम के बारे में। फिर नेक्स्ट, 13 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है मल्लवत पूर्णा। मल्लवत पूर्णा माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की ये माउंटेनियर बनी है। और अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है जिसकी हाइट जो होती है वो 8,848 किलोमीटर है, 8,848 किलोमीटर। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है और सागर माथा जो एक्सरसाइज होती है वो नेपाल और चाइना के बीच होती है। नेक्स्ट, किस राज्य के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने एक समर्पित महिला हेल्पलाइन जिसका नाम दामिनी है जिसमें कॉलिंग और व्हाट्सएप सेवा शुरू की गई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, UPSRTC के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका मतलब किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। एक तरह से ये निर्भया योजना का एक्सटेंशन प्रोग्राम है जिसमें दामिनी के तहत UPSRTC यूपी गवर्नमेंट के द्वारा हेल्पलाइन शुरू की गई है और हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 8114257। ये याद रखेंगे, ये हेल्पलाइन नंबर है जो ये UPSRTC के द्वारा शुरू की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, किस शहर में 5वीं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है लेह लद्दाख में और लद्दाख की राजधानी लेह होती है। और अभी हाल ही में लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है और लेह में ही अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा पश्मीना रिसर्च सेंटर भी खोला गया है लेह में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने ई सिगरेट में आंशिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका ने ई सिगरेट पे पार्शियली बैन लगाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। तो अभी हाल ही में पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अभी आई है, वो कर्नाटक सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है, इसके बाद आंध्र प्रदेश और इसके बाद केरला। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला सबसे वन आच्छादित क्षेत्रों में ये राज्य शामिल किए गए हैं। और वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ किसने लिया है? तो इसका सही आंसर है जो हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं हेमंत सोरेन, और इसके पहले जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे रघुबर दास थे। तो 11वें मुख्यमंत्री झारखंड के बने हैं हेमंत सोरेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है भारत में। तो भारत में विजय रूपाणी के द्वारा गुजरात में अभी हाल ही में दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही आंसर है हॉकी। हॉकी ये डिफेंडर रही हैं, महिला हॉकी टीम की ये डिफेंडर रही हैं सुनीता लाकड़ा। अगर पूछा जाएगा कि सुनीता लाकड़ा किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है हॉकी से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगल की 200वीं जयंती के सम्मान में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2020 को किस नाम से नामित किया है? तो इसका सही आंसर है ईयर्स ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। तो ईयर्स ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के नाम से 2020 को डेडिकेट किया गया है WHO के द्वारा। किसके लिए? फ्लोरेंस नाइटेंगल के लिए। और फ्लोरेंस नाइटेंगल को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटेंगल को। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1820, जो 2020 में कितने साल पूरे हो गए? 200 साल पूरे हो गए। और इसीलिए इनके जन्मदिन को यानी 12 मई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। तो याद रखिएगा 12 मई इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल नर्स डे। 2020 में 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर किसे इनवाइट किया गया है? तो इसका सही आंसर है ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, जो 2019 के गणतंत्र दिवस पे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आए थे, लेकिन इस बार के गणतंत्र दिवस पे जो आए हैं ब्राजील के राष्ट्रपति आएंगे जायर बोल्सोनारो। अब ब्राजील की जो करेंसी होती है वो ब्राजीलियन रियाल होती है, और ब्राजील की जो राजधानी होती है ब्राजीलिया होती है। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।